कलेक्टर भी बन सकता है। इसलिए आप वो शक्ति हो कि लोग बात बोले। जब कोई बड़ा अधिकारी बन गया है तो अति शिक्षक के जब पहुंचे बोले इन्होंने मुझे पढ़ाया था, आज मैं इनकी बदौलत आई है, इसकी आइए होंगी आइए जो भी, ये गौरव का विषय ये होता है। और उस दिशा में भी हमें सोचना है। रहा सवाल सरकार का, आपने मुझे ज्ञापन दिया है, मैं इस सरकार को दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि नियम के तहत ये एक चीज जरूर आप लोगों को बता दूंगा। सरकार के पास दो विभाग ऐसे होते हैं, सरकार किसी की भी हो, वो दो विभाग कानून से बंधे होते हैं। एक सामान्य प्रशासन विभाग, दूसरा हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस जो होता है सरकार की आय और व्यय के बीच में चलता है, इसलिए उसमें ना आप कुछ कर सकते, ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकता, कोई कुछ कर सकता। ठीक है एक बात। दूसरा सामान्य प्रशासन जीएटी एक ऐसा विभाग है जो सरकार के बाहर कानून जो जो बने हैं उसका पालन करना और करवाने के लिए कौन बैठा है? सामान्य प्रशासन द्वारा। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो होता है प्रशासनिक, वो होता है जीएटी। सामान्य प्रशासन जीएटी की सर्कुलर गाइडलाइन ये होती है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के पहले एडवर्टाइज करना और टेस्ट लेना, टेस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, मॉक टेस्ट, एक चक्कर में, दो चक्कर में, जैसे पीएससी तीन तीन चक्कर में होता है, प्री मेल इंटरव्यू, ये अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन के साथ किसी भी व्यक्ति की गवर्नमेंट की नियुक्ति के लिए पहला क्राइटेरिया एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है उसका सिलेक्शन की प्रक्रिया, तब वो सरकारी कर्मचारी बनता है। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो पहले गुरुजी भर्ती होते थे तो सरकार क्या करती है कि सरकार करती कोई ऐसा पद क्रिएट कर दो जिसमें कोई वोट भी ना जाए तो गुरुजी बना दो, कोई कोर्ट जाएगा साहब कैसे पढ़ा रहे हैं, ये टीचर नहीं चंदू जी, फिर आपके ऊपर जाएगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आप कौन भाई, नहीं जा रही मास्टर नहीं, ये क्या है, किस है, हमने कुछ दिन फेल के लिए गेस्ट बनाए, मतलब सरकार ने आपको अंदर भी कर लिया और कोई कोर्ट से मैं आपको बाहर भी नहीं कर रहा, आप इस बात को समझना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के चीजों के आ जाने के कारण आज आप लोग टीचर हैं। हो सकता है ये चीज नहीं आती तो परीक्षाएं होती तो आधे से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर ना बन पा, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत होशियार आदमी होगा वो टीचर बनेगा और जो कमजोर होगा वो टीचर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद ही अच्छा पढ़ाएगा ऐसा कुछ नहीं है, भी बहुत अच्छी हो एक बार, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि इस गांव में इंटीरियर का गांव है, बाहर का भी पढ़ाने को तैयार नहीं उस छोटे से तनखा में, इसलिए गांव का ही कोई टीचर हो तो गांव में कोई अच्छा उच्च क्वालिटी वाला नहीं मिलता, तो फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस स्कूल को चलाता है कि नहीं। इन सब चीजों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार बीच बीच में ऐसे पद क्रिएट करके सरकार का काम और आपके काम को बनाते हैं। अब मान लो आप गेस्ट टीचर हो, ठीक है, अब गेस्ट टीचर है या गुरु जी है और जो मुख्य शिक्षक है जो आपके स्कूल के परमानेंट टीचर है, दोनों की सैलरी होगी तो फिर सरकार को गलती लगेगा, इसलिए प्रक्रिया में हम नहीं है, हम योग्य है प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही, गुरु जी के समय भी प्रयास किया, मैं आपके लिए एक बार ज्ञापन में मैं मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके लिए मैं जा चुका हूँ, आप लोगों के बात कर चुका हूँ, पूरी चर्चा मेरी हो चुकी है, अजित विद्वान के लिए मैंने चर्चा की थी और अजित विद्वान का तो मैटर मैंने ही पूरा प्रयास करके उसको ठीक किया था, तो आपके लिए भी मैंने बातचीत की है, पर केवल दो जगह अड़चन जाती है, एक जीएसटी और दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस ये कह दे कि हमारे पास इतने टीचर रखने के लिए पैसा है,
और ये भी कहते इनको टीचर रखने की प्रक्रिया इस तरह नहीं हो सकती है। प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है? मान लो सरकार ने तय किया कि हमें 38 शिक्षकों को नौकरी देना है, तो कैसे देंगे? एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद प्रयास करेंगे कि 38 शिक्षक इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, ज्यादा नंबर दे दिया, अब कोई बहुत होशियार होगा तो कहां से पाए होगा नंबर। इसे सरकार को अंदर करने का एकमात्र उपाय होता है जीएडी की गाइडलाइन के अंदर आपको लाना और फिर अंदर ला करके आपको शिक्षक बनाना, ये प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। सपोज करो आप में से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए तो भी उसको यही करना पड़ेगा जो अभी सरकार करे। कोई कोई भी पार्टी की सरकार, कई बार लोग बोलते हैं इसने नहीं किया, बदल दो तब तो बदल दो, बदल दो आपको सरकार से एक डिमांड रखिए। मैं भी बात करा कि कोई भी सामान्य प्रशासन की प्रक्रिया अपना करके हम लोगों के नंबर को जोड़ दे करके कोई परीक्षा लेकर हमें शिक्षक का दर्जा दिलाया जाए। अब अगर उसमें अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो दूसरा 100 में 90 पाएगा, आप 100 में 50 पाओगे, आपका सिलेक्शन इसलिए जाएगा कि 40 नंबर आपको उसके मिल गए तो थोड़ा कमजोर हो तो भी चलेगा, अनुभव का लाभ मिलेगा। इसलिए सरकार के पास सारे उपाय हैं आपको अंदर घुसेड़ने के, मगर प्रक्रिया तो यही है। अगर मान लो आप में से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया और घोषणा किया आज शिक्षक परमानेंट किए जाते हैं, एक आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने पूछा कैसे परमानेंट किए, तो बोले वैसे ही कर दिया, बोले सारी नियुक्तियां निरस्त की जाती है, क्या करेंगे? तो बहुत ऐसा मत सोचो कि सरकार में कोई मुख्यमंत्री बनाए तो कब ही देगा। उसके लिए एक रूल्स को एक्ट के तहत उस डिपार्टमेंट के तहत उसको लाना पड़ता है और उस लाने से गुरु जी को सरकार ने अंदर किया। अभी जो कॉलेज में प्रोफेसर है उनको भी इसी तरह किया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ हताश और निराश बिल्कुल मत हुई, प्रक्रिया को अपना करके इसमें तो सब चीजों का रिलेक्सेशन मिलता है, एज का तक रिलेक्सेशन मिलता है, उम्र का भी छूट मिलता है इसका। इसलिए इस प्रक्रिया में आपको बातचीत करना चाहिए और उस बातचीत का प्रतिफल पूरा मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप तो जैसे आज यहाँ मऊगंज जिले का कार्यक्रम किए, फिर आप रीवा जिले का करो, फिर आप अन्य जिलों का करो, सभी जिलों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाएं, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाएं, ज्ञापन में आप इस बात का उल्लेख करें। तो मुझे लगता है आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मुख्यमंत्री घोषणा जीएडी के अंदर ही करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जीएडी के बाहर जाकर घोषणा करेगा, वो बाहर जाकर घोषणा तभी कर सकता है जब चुनाव चल रहा होगा, तो चुनाव घोषणा पत्र में कुछ भी लिख तो चलेगा, सूरज को नीचे ले आ देंगे, धरती को ऊपर कर देंगे, सब चलेगा, वो चुनाव की कुछ सपत है। आप अकेलेमान हो तो मान लो, मगर जब सरकारी गाइडलाइन में जब होता है, जब सरकारी गाइडलाइन में होता है तब ये बात नहीं होती, ठीक है। और इसलिए आप लोगों को भी सारे रूल्स और सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं भी बता दूंगा, मैं प्रयास करूंगा। आप चार छह लोग आकर के कि जीएडी की कौन कौन सी गाइडलाइन के तहत अब तक कुछ नियुक्तियां हुई है, कैसे हुई है, उनको सबको हम साथ में रख करके और उसको रखते हैं। बस इतना जरूर ध्यान दिए कि कोई भी सरकारी नौकरी आज की तारीख में बिना किसी भी जीएडी की प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के किए बिना अगर वो नौकरी मिलती है तो कोर्ट उसको नौकरी करने नहीं देगा, सरकार से वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप भी सोचिए कि जब रिजेक्ट ही होना है तो क्यों ऐसा करना है। अभी आप रिजेक्ट इसलिए नहीं होती, सरकार ने कहा नहीं साहब ये नौकरी करने नहीं देती, क्या कर रहे हैं आप, वेस्ट टाइम, आप समझ गए। इसलिए आपके ऊपर कोई चला भी जाएगा कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी आउटसोर्सिंग गुरु जी, ऐसे सरकार ने बहुत सारी चीजें छोड़ लिया, आउटसोर्सिंग में तमाम विभागों में काम कर रहे हैं। किसी ने बोला साहब उनके साथ में आओगे, हमारे कर्मचारी नहीं है, क्या मीटर रीडर आउटसोर्सिंग कोर्ट में लोग गए, सरकार ने
बोल दिया कि साहब ये हमारे कर्मचारी थी, किसके कर्मचारी थे, फलाने कंपनी के, हमने लिया उधार। मगर उन सब में से बेस्ट आप, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग नहीं, आपको किसी एजेंसी ने काम में नहीं लगाया है, आपको गेस्ट के रूप में स्कूल वाले समझ, जिस स्कूल में आप गेस्ट टीचर हैं, एक्चुअली में ये गेस्ट टीचर स्कूल की व्यक्ति को, संस्था को, अपनी स्कूल में टीचरों की कमी को ध्यान रखते हुए ज्ञान ज्ञान वाले व्यक्ति को सेलेक्ट करके अपनी स्कूल को अच्छे से संचालित करने का एक अधिकार बनाए, उस अधिकार को उपयोग करके वो आप गेस्ट टीचर सकते हैं। भले है ये शासन की तरफ है, मगर इसकी प्रक्रिया का अधिकार अधिकारिता किसको बनाया है? प्रमुख, संस्था के प्रमुख। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी हताश नहीं हुए, बोलिए सब कुछ हो जाएगा। अब ये इसमें थोड़ा सा आप 10-15 लोग पूरे स्टेट में, केवल यही कवर नहीं करते, पूरे स्टेट के 10-15 लोग बातचीत करिए, सभी लोगों को इससे जोड़िए, जितने भी आप, जैसे आज आप 150 लोग यहाँ पे इकट्ठे है, यहाँ 700 है, कितने 900 हम 900 में 150 को चिंता है, बाकी 750 कह रहे हैं अभी का करना जोन हो तब मरो, हम न जा है, बस यही बैठे बैठे। तो इस तरह का प्रयास करिए कि आपके 900 लोगों का बाद में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उन्हें मीटिंग में आने नहीं होता, कई बार पार्टी परिस्थितियों के कारण नहीं आ सकते, मगर कागज में सिग्नेचर, कागज में प्रक्रिया, कागज में डिमांड, आपके संगठन में उनकी सूची बराबर होनी चाहिए, ताकि ये लगे कोई भी अति शिक्षक इससे बचा नहीं, इससे छूटा नहीं, सब एक सूची मांग में ये चलते हैं। एक इसको भी बना लीजिए और अन्य जिलों में बातचीत करके आप 15-20 लोग मिल करके सरकार से एक बार में, दो बार में, चार बार में बातचीत करिए। अब आप लोग बातचीत क्या करेंगे, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे को बनाओ बनाओ, ऐसा नहीं, ऐसा है। आप एक दो जनप्रतिनिधि से, एक दो आईएएस से अगर आपके संपर्क सूत्र में हो, रिटायर अधिकारी से बातचीत करिए, और बातचीत करके उनको बोलिए कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। तो क्या बताया कि शासन के खजाने में इतना फंड है, अभी इतना जा रहा है, इतना डेवलपमेंट है, इतना सैलरी है, इतना इंसेंटिव है, इतना अन्य चीजों में, इतना ब्याज में सरकार करती है, तो उसका ब्याज कुल मिला के सरकार के खजाने में अभी इतना पैसा नहीं है, इनको सबको परमानेंट करके तनखा दी जाए, तो फिर वही बताएंगे इसका रास्ता कहां तक, क्योंकि जब तक सरकार के पास रास्ता नहीं निकलेगा और आप सब मिलकर निकलवाएंगे नहीं, तब तक इस प्रक्रिया में सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे हम हो चाहे आप में से ही किसी को सरकार में बैठा दिया जाए, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस दिशा में भी थोड़ा सा आपस में बातचीत करके कोई रास्ता कौन सा निकल सकता है, फिर एक रास्ता सुझाइए, ये रास्ता बेस्ट हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं बनती, फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है ये भी ठीक नहीं, फिर दूसरा रास्ता बताइए, फिर तीसरा रास्ता बताइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातचीत का मामला नहीं। तो पूरा भरोसा है कि आप के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं जानता हूं और मुझे पूरा भरोसा है। अन्य के बारे में नहीं जानते कौन नेता कैसा होगा, क्योंकि वो किस पहल से आए हैं, किस पहलू से आए हैं, वो क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं वहां से गुजरा हूं, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है। आप सब लोग इसमें लगे रहेंगे और इस प्रक्रिया के तहत आप काम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इसमें सफलता मिलेगी। और कहीं अच्छा एक चीज बताऊँ, एम ए बहुत ज्यादा पीरियड है, पहाड़ा याद करना है, तो उसके लिए भी डिग्री कहाँ कहाँ है, पहाड़ा याद करने के लिए क्या नहीं जाने, तो पांचवी पास वाला भी अच्छा, उसके आगे भी पहाड़ा याद करवा, और फिर मास्टर बोलते भी है पहाड़ा याद करवा, बच्चे बोलते कैसे, तो कहीं ये बोलेगा तुम तो ना हम बैठे हैं याद ना हो जाए ना, पता पता चला कि 15 दिन बाद ये पहाड़ा बोलता था, वो पहाड़ा सुनता था, ये बोलता था, वो रिपीट करता था, 15 दिन बाद याद हो गया मास्टर साहब ने सुन। तो ये कोई इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, जो हम छोटे प्राथमिक शिक्षक हैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, काका दादा पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, एबीसीडी पढ़ाना है, गुणा भागा पढ़ाना है, ये सामान्य रूप से बच्चे जैसे ही डेवलप होते हैं सीखने के उनके अंदर ललक होती है, उसी की जाती है, आप थोड़ा सा इतनी तो मेहनत कर लो भाई, तुम बोलो तुम रिवीजन कर लो, हम बैठे
इतना भी नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं, पर आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि रिजल्ट जो है पहले आते हैं। एक चीज और बता दें कि शिक्षा व्यवस्था इस प्रदेश की चौपट हो रही है। मैं उसका उदाहरण देता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे जिले के अंदर आज से 20 साल पहले ऐसे विद्यालय थे जिनके पास बैठने का एक कमरा नहीं होता था, सिर्फ अपने घर में एक झोला भरे रहते थे, उसी झोले में विद्यालय चलता था, 12वीं तक का विद्यालय, और बच्चों की संख्या मालूम कितनी थी, एक एक विद्यालय रिकॉर्ड हो गया, बिल्डिंग बने रिकॉर्ड हो गया, एक एक विद्यालय में 3,000 बच्चों का एडमिशन होता था। और फिर क्या होता था, परीक्षा होती थी, पेपर आता था, कॉपी दे दी जाती थी, जाओ अपने घर से लिख के लिया और नकल विद्यालय जिनको बोले। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों ने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। पढ़ने वाले बच्चे को लगता था पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन में फिर जाएंगे, इससे जिसको कंपटीशन करना होता तो उसको पढ़ना पड़ता था, अगर पढ़ेंगे तो नंबर हमारे 70% आएंगे, नकल वाले 90 आएंगे। उस समय कुछ लोग टीचर ऐसे बन गए, पर वो रिटायर होने की कगार में होंगे या हो सकता है कि मैं आपको कहूंगा, मगर मैं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हृदय में पत्थर रखकर वोटों की चिंता ना करते हुए, प्रदेश में कितना विरोध होगा उसकी चिंता ना करते हुए, नगर के विद्यालयों को बंद कराने के लिए सेंट्रल स्टेट की सारी फोर्स को इकट्ठा करके बोला था जितनी पुलिस चाहिए उतनी पुलिस ले जाओ, मगर नगर के विद्यालय बंद हो गए। और इस तरह की स्थिति हो गई थी कि पटाक के स्कूल का गुड़ में, यहाँ का सेंटर देवथर में, यहाँ मऊगंज का सेंटर, यहाँ ऐसे करके जो नकल वाले विद्यालय थे उनके विद्यालयों को ऐसे कम से कम 3-4 साल करने के बाद स्थिति हो गई कि नकल के विद्यालय टूट गए, लोगों के रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए, उनके यहाँ कोई एडमिशन लेना बंद कर दिया। अब आज की तारीख में नकल के विद्यालय बंद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा जगत में अगर ज्ञान हो, अगर ज्ञान के लिए अगर ये चीज सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये, तो आज हम लोग सब लोग अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने को भी आगे बढ़ा, और जो इसमें गेस्ट टीचर हैं आप सब लोग, उनमें मैं कहता हूँ जितने युवा लोग हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म मत करना। ये मत सोचिए कि हम गेस्ट टीचर बन रहे हैं अब हम कुछ नहीं बन सकते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कॉलेज में पढ़ाते थे और फिर अधिकारी बताइए आपके यहाँ पे एडिशनल एसपी 84 जी हैं, जानते हैं आपकी बार में बातचीत करके आपके पक्ष में क्या अच्छा हो सकता है, उस सबको करने के लिए जुटेगी। यही मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर शक्ति दे आप, कृष्ण भगवान आपके रथ में बैठे और विजय श्री आपको मिल जाए, नहीं आएगी किसी की बड़ी सेना की क्या करना है, बस कृष्ण भगवान आपके रथ में बैठेंगे सब खटा काम होगा। यही आपके बहुत बहुत धन्यवाद।